अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबका इंशाल्लाह ठीक होंगे खुश होंगे वेलकम बैक माय चैनल तो आज ही सुबह सारे काम वगैरह निपट गए थे किचन रह गया था और एक ये पोछा लगाना रह गया था तो मेरी हेल्पर किचन को साफ कर रही थी बर्तन मैंने कहा चलो मैं खुद धो लूँगी उससे पहले ना मैं पोछा लगा लेती हूँ अच्छा जो मेरी हेल्पर साथ आती है तो हम दोनों मिल के काम करते हैं यानी सारा काम वो करती है और मैं बैठी रहती हूँ जो उसके काम करने के होते हैं वो करती है और साथ साथ मैं उसके मतलब पोचा वगैरह और जो बर्तन होते हैं वो मैं ख़ुद कोशिश मेरी होती है कि मैं खुद करूं हाँ कोई ज़्यादा मजबूरी हो तो वो अलग बात है अच्छा जी वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं काम वगैरह सारे निपटा के आ गई थी किचन में क्योंकि खाने का टाइम हो गया था जब टाइम कम रह जाए तो मैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वन डिश बनाऊं जो जल्दी से बन जाए और फटाफट सबको सर्व भी कर दूँ तो इसलिए मैं पुलाव बना रही थी मटर और आलू का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव है ये उसके लिए मैं ये कैवा बनाती हूँ आप भी ज़रूर बना के मतलब इस तरह ट्राई कीजिएगा पुलाव उसमें मैंने डाले थे दो टेबल स्पून साबुत धनिया के एक टेबल स्पून सौंफ और एक दालचीनी अगर आपके पास पोटी काली इलायची है तो आप वो भी ज़रूर डाल लें उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अच्छा कहवा मैं बनाने के लिए रखा हुआ था साथ मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज काट के डाल दिया और लहसुन और अदरक का पेस्ट अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई गोश्त वगैरह का पुलाव बनाएँ तो तब ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं वरना वैसे नहीं डालते हालांकि इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है और प्याज़ भी ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें और इसको ज़्यादा ब्राउन भी मत किया करें उसके साथ ही मैंने डाल दिए थे आलू अदरक लहसुन के पेस्ट के फ़ौरन बाद ही और साथ अब मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी थी अच्छा प्याज़ भी ज़्यादा डाला करें उसको ज़्यादा ब्राउन भी मत किया करें क्योंकि उससे चावल ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं अगर आप थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन करते हैं प्याज को तो मटर भी एंड में डालती हूँ मतलब जस्ट पानी डालने से पहले डालती हूँ वरना पानी डालने के बाद भी डालती हूँ क्योंकि मुझे मटर जो है ना वो ग्रीन कलर के थोड़े से फ्रेश फ्रेश अच्छे लगते हैं इतनी देर में हमारा केवा भी रेडी हो गया था तो इसको मैंने छान लिया है तो अब जो कटोरे में पानी कम था ना उसको लेवल करने के लिए मैंने थोड़ा सा सिंपल पानी डाल दिया था मैं तीन पाओ के हिसाब से बना रही हूँ तो आप देख लें कि आपने कितने चावल बनाने हैं उतना फिर आप पानी डाल लें क्योंकि ये कटोरा जो है हाफ़ के जी का है तो ये मैं उस हिसाब से पानी डाल रही हूँ जितने मैंने चावल बनाए हैं तो मैंने पानी वगैरह डाल के और इसमें मैं डाल देती हूँ चिकन क्यूब पुलाव वाली हूँ वो भी बहुत अच्छी लगती हैं अगर आपके पास सिंपल जो चिकन क्यूब होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं वो ज़रूर डालें और स्पाइसेस जो आपने डालने हैं वो डाल लें मैं जस्ट इसमें नमक डालूंगी क्योंकि मिर्चें मैं इसमें सब्ज मिर्च डालती हूँ रेड वाली नहीं डालती वो मुझे पुलाव में अच्छी नहीं लगती मैं टमाटर भी पुलाव में नहीं डालती मुझे टमाटर भी नहीं पसंद जैसे ही बॉयल आएगा ना तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी क्योंकि मटर जो जितनी देर पकेंगे ना वो मछी से हो जाएंगे और उनका कलर भी अजीब सा हो जाएगा तो कोशिश करें मटर ज़्यादा मछी उगा क्योंकि दम में भी ये पकेंगे तो अभी गरम मसाला मैंने डाल के ना उसको ढक दिया था और साथ ही मैं डाल दूँगी दो सब्ज़ साबुत मिर्च इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अभी पानी इसका पुष्क हो गया तो अभी मैंने इसको दम लगाना है यहाँ पे मैं इसमें कलर डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डालें वरना ऐसे भी बनाएं बहुत ही अच्छे बनते हैं अच्छा जितनी देर में चावलों को दम आएगा तो मेरे पास सिवयाँ पड़ी थी तो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये सवैयाँ जो थी इनको मैंने अच्छे से बारीक तोड़ लिया था बिल्कुल बारीक बारीक करना है आपने तो दूसरे साइड पे मैंने पतीला ले लिया इसमें दो टेबल स्पून घी के डालें अंदाजन दो टेबल स्पून है आपके पास अगर बटर पड़ा हुआ है तो वो डालें उससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा यहाँ पे मैं इलायची डाल रही हूँ दो तोड़ के अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो हाफ़ टी स्पून डाल लें तो इलायची थोड़ी सी ब्राउन होगी तो इसको मैं ना निकालूँगी क्योंकि जब स्वीट डिश में जब भी आप इलायची डालें मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गिन के डालो और गिन के निकाल लो क्योंकि वो मुंह में आती है तो फिर वो अजीब सी लगती है जस्ट इसका फ्लेवर ही अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैं स्वैया डाल के इनको अच्छे से भून लूँगी ये थोड़ा ब्राउन कलर हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी ना जब तो इसमें मैंने जस्ट हाफ कप पानी का डालना है बहुत ज़्यादा इन... पानी नहीं डालना बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलानी है हाफ कप पानी का डाल के तो इसको मैं दम पर रख दूँगी ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया वरना आप दम के बाद भी इसको अच्छे से खुश्क कर ले पानी क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए और याद रखें हम इस हमने इसमें चीनी नहीं डाली सिर्फ घी में इसको फ्राई किया है और पानी डाल के थोड़ा सा ना हाफ़ कप पानी डाल के हल्का सा गला लिया है ये कैरेबल सॉस मैंने अभी आपको आपके साथ वीडियो शेयर की थी केक की उसमें मैंने आपको बनानी सिखाई थी तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मेरे चैनल पे जाएं और वीडियो देखें बहुत ही आसानी से बनने वाली है और बहुत ही मज़े की होती है इसमें मैंने डाल दिया है दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर के कोई भी मिल्क पाउडर है आपके पास किसी ब्रांड का है ऐसे जो खुला मिलता है वो वो भी डाल सकते हैं कोई भी है आपके पास तो वो आप डाल लें अच्छा इसमें मैं डाल रही हूँ सवैयाँ सवैयाँ को ठंडा कर लें और देख लें कि आपके पास कितनी कैरमल है उस हिसाब से आप सवैयाँ डालें मैंने हाफ़ जो डाली थी हाफ़ बचा ली थी क्योंकि ज़्यादा हो गई थी तो वो मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सवैयाँ गर्म थी और कैरमल बिल्कुल ठंडा था लेकिन फिर भी थोड़ी सी वो सॉफ़्ट हो गई थी क्योंकि हमने इसके लड्डू बनाने हैं तो लड्डू के लिए थोड़ी सी हमें ना ये हार्ड चाहिए तो इसलिए मैं इसको ऐसे फैला दूँगी और थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि आसानी से वो शेप उनकी बन जाए अच्छा जब ठंडे हो जाएँ तो आप इनके गोल गोल लड्डू बना लें बड़े बना लें छोटे बना लें जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना लें अपने और सारे रोइयों के मैं लड्डू बना लूँगी हाफ़ तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी और जो हाफ़ हैं उसको मैं कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है उसमें ऐसे रोल कर लूँगी ताकि उसका भी फ्लेवर आ जाए बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसानी से बनती है इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है अच्छा अगर आप कैरमल की जगह कंडेंस मिल्क डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेहमानों को बना के दें ख़ुद खाएं बच्चों को खिलाएं सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है अच्छा उतनी देर में हमारे जो चावल है उनको दम आ गया था इतना कुछ फ्लेवरफुल ये पुलाव होता है आलू मटर का कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे इतने अच्छे इसका मतलब टेस्ट होता है तो सब की प्लेट्स मैंने बना दी थी जो जो जिसने डालना था उस हिसाब से जिसको जो पसंद होता है वो मैं उस हिसाब से डाल देती हूँ तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये लड्डू टेस्ट करवाए खा के बताएं कैसी है उसके बगैर वाला भी टेस्ट करें बिस्मिल कौन सा अच्छा है? सब भी अच्छा है कितने नंबर हैं आउट ऑफ टेन नंबर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस <laughs> दस में से दस हैं अब बाकी सब को भी टेस्ट करा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है ना मज़े किया है <laughs> दूसरा भी बताओ हा? ये ये भी रखो ना फिर दूसरा पहले खाओ दूसरा कौन सा मतलब विदाउट कोकोनट किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है कोकोनट के साथ या विदाउट पापा को दोनों <laughs> अच्छे ये नहां। दो खाने के तरीके हैं मुझे दो अशर को टेस्ट करो ऐसे मीठा, मीठा बहुत ज्यादा नहीं है ना खा के बताओ कैसे मिठी चूर के नहीं ये मिट्ठी चूर, 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 चूर के हैं सबको मैंने बारी बारी टेस्ट करवाया और सबका रिव्यू लिया सबको बहुत ही पसंद आए थे एक डिफरेंट चीज़ थी तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली को कैसे लगे दो में याद रखिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफ